आप सभी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपके बहुत ही मेहनती और लोकप्रिय विधायक साहब विक्रम सिंह जी जाखड़ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने लगातार अभी उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रशंसा की। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसे एमएलए मिले हैं, ऐसे जन सेवक मिले हैं जो कि ऐसा कोई एक दिन नहीं जाता कि जब आप जयपुर में होते हैं तो मेरे पास आके कोई ना कोई आपका ज्ञापन देते हैं और मैं अकेले से नहीं मिलते हैं, सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और आपकी समस्या सामने रखते हैं और बोलते हैं ये काम आपको करवाना, और जब तक सैंक्शन नहीं होता तब तक वो मिलते रहते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है और मैं इनको कई बार कहती हूँ आप फिर आ गए। तो ऐसे आपको टाइम मिले हैं, बहुत आप भाग्यशाली हैं, आपको मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यहाँ इस स्वागत कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में आपके विधायक साहब भी है, मनीष जी चौधरी साहब चेयरमैन, श्री हरफूल जी पुनिया साहब चेयरमैन, श्री सुरेंद्र सैनी जी पूर्व चेयरमैन व पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जन प्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ सभी पधारे हुए सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग और सभी भाइयों बहनों, आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के लिए इस बार बजट में, पिछले बजट में बहुत सारी सौगातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी। आने वाले समय में कोई भी ऐसी बात होगी तो बिल्कुल मैं आपको आज पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ, मैं घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि इस जिले में आचार संहिता लगी हुई, लेकिन मैं आपको पूरा आज आश्वासन देके जाती हूँ कि जो भी काम आप विधायक साहब के द्वारा मुझ तक पहुंचाएंगे उन सभी कामों में पूर्ण रूप से प्रयास होगा और अगर प्रयास 100% होगा तो काम भी 100% होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चुनाव है, झुंझुनू में चुनाव है और आप सभी से निवेदन करती हूँ क्योंकि आप ये इसी जिले के हैं और हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना है कि हमारे प्रत्याशी जी जीते, अच्छे वोटों से जीते, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, सातों सीटों में हमारा कमल खिलेगा। लेकिन झुंझुनू से आपको ये निश्चित करना है कि सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीते, ये बहुत बहुत आवश्यक है। आज मैं वैसे चुनावी सभा के लिए आई हूँ तो ज्यादा समय तो अभी हम सबके पास नहीं है, लेकिन अगली बार कोई बड़े कार्यक्रम में, कोई उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में आप बुलाएं क्योंकि उसमें मुझे आना बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे ही कोई अच्छे बड़े काम जब धरातल पे उतरेंगे उसमें आना मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो मैं आज अपने आप को ही निमंत्रण दे देती हूँ कि एमएलए साहब आप मुझे अगली बार बुलाना कोई बड़े कार्यक्रम में, मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं आने वाली हूँ यहाँ पर। हाँ, ये निमंत्रण भी आ गया है। जैसे एक ठीक है, बिल्कुल, ये आपने कब का रखा है? दिसंबर। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको डेट बहुत जल्दी बताऊंगी और सभी को मैं एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना भव्य स्वागत किया। एमएलए साहब को भी धन्यवाद, मंच को धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। मैं तो यहाँ आती रहूंगी, पहले भी आई, पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारा महिला बाल विकास हो, चाहे वित्त हो या कोई और विभाग हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इन चार साल रह गए, इन चार सालों में नहीं होगा। पूर्ण रूप से, चाहे मुख्यमंत्री जी भी पूरे लगे हुए हैं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए जो अभी राइजिंग राजस्थान दिसंबर में हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि राजस्थान में निवेश आए, राजस्थान में इंडस्ट्री आए। अगर राजस्थान में इंडस्ट्री आएगी तो क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। बार बार हमारे युवा इधर उधर भटकते हैं, कभी जाना पड़ता है राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है, कभी बहुत परेशानी होती है, समस्या होती है, वो समस्या से उनको कैसे हम निजात दिलाएं, कैसे उनकी परेशानियों को दूर करें,
उसके लिए बहुत आवश्यक है राजस्थान में ज्यादा रोजगार बढ़े, रोजगार की संभावनाएं बढ़े। इसलिए कम से कम 15 लाख करोड़ के MOU भी साइन हो चुके हैं और वो सब ऐसे हैं जो धरातल पर उतरेंगे। वो वाले MOU नहीं है जो गहलोत सरकार में साइन हुए थे, जो कुछ भी काम नहीं हुआ। झूठी बात ये सरकार नहीं करती। अगर झूठी बात करनी होती, झूठी घोषणाएं करनी होती, तो हम पहले ही बजट में सारी विधानसभाओं में सारे काम नहीं देते थे, क्योंकि वो पहला बजट ऐसा था। सब आज भी सबको बहुत ही आश्चर्य होता है कि आपने पहले ही बजट में सब कुछ दे दिया। अगर आप किसी विपक्ष के MLA को पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि ऐसा भाई, ऐसा तो हमने पहली बार देखा। हमारी सरकार तो लास्ट में देती थी, आपकी सरकार आते ही सब कुछ दे दिया, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। वो क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि हम लोग शिलान्यास भी करेंगे और हम लोग उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसका मैं शिलान्यास भी ना करूं और उद्घाटन भी ना करूं। इसलिए हम भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब ही यही है कि झूठी बातें नहीं करते, झूठी घोषणाएं नहीं करते, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। तो मैं एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती हूँ और अब हम सब मिलकर ऐसे ही विकसित राजस्थान बनाने का हर संभव प्रयास करें और झुंझुनू की सीट को आप जिताएं ताकि वहां भी पूरे जिले में भरपूर विकास हो। एक बार फिर आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय राजस्थान।